हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल टेल्स बाय स्वप्निल। में आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं होगिनिकल वाटरफॉल। दोस्तों, होगिनिकल फॉल्स को स्मोकी रॉक्स फॉल्स भी कहा जाता है, क्योंकि कार्बोनेट चट्टाने यहाँ पर एक यूनिक अरेंजमेंट में स्थित है। होगिनिकल वाटरफॉल कावेरी नदी पर बना हुआ है और ये कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तमिलनाडु राज्य के। कावेरी नदी की धारा चट्टानों से होकर नीचे गिरती है और ये नज़ारा काफ़ी सुंदर और मनमोहक लगता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं होगिनिकल वाटरफॉल का सफ़र। तो मैंने अपने सफ़र की शुरुआत बैंगलोर के व्हाइटफील्ड एरिया से की थी और मैंने कार प्रेफर की थी वहाँ जाने के लिए। बैंगलोर से होगिनिकल फॉल की दूरी लगभग 127 किलोमीटर के करीब है। यहाँ जाने के लिए आप बाइक से भी जा सकते हैं, या अपना ओन व्हीकल होगा तो वो भी बेहतर ही है, या आप बस भी प्रेफर कर सकते हैं। बस के लिए आपको बैंगलोर से होसूर जाना होगा और होसूर से नियमित अंतराल पर होगिनिकल के लिए बसेस अवेलेबल हैं। होगिनिकल से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन धर्मपुरी रेलवे स्टेशन है, जो कि 48 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और नियरेस्ट एयरपोर्ट बैंगलोर का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से फॉल्स की दूरी 160 किलोमीटर के करीब है। लगभग 3 घंटे में मैं होगिनिकल फॉल पहुँच गया। पार्किंग से फॉल्स की दूरी 300 मीटर के करीब है। ये कोरेकल राइड्स का चार्ट दिया है, जो कि गवर्नमेंट रेट है। बोट हाउस से सीनी फॉल जाने के लिए 45 मिनट का 500 रुपये चार्ज है, और बोट हाउस से मनल मेडू जाने के लिए 1.5 घंटे का 1500 रुपये चार्ज है। तो मैंने 1500 रुपये में 1.5 घंटे के लिए मनल मेडू के लिए कोरेकल राइड बुक कर दी। दोस्तों, बात करें यहाँ के टाइमिंग्स की, तो ये सुबह 8:30 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 6 बजे तक चालू रहता है। ये कोरेकल बोट बांस की बनी हुई होती है और इसका डाया लगभग 2.5 मीटर के करीब होता है। ये कावेरी नदी का ऊपर का एरिया है और फॉल्स देखने के लिए हमें यहाँ से नीचे जाना होगा थोड़ा ट्रैकिंग करके। ये कोरेकल नाविक पूरी कोरेकल को सर पे उठाकर नीचे ले जाते हैं, जो कि काफ़ी कठिन होता है यहाँ पत्थरों से नीचे ले जाना। तो दोस्तों, यह है फॉल्स का ऊपर से नज़ारा, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। कावेरी नदी कई धाराओं में बटकर इन कार्बोनेट चट्टानों से नीचे गिरती है। दोस्तों, इस फॉल की खास बात यह है कि ये दो राज्यों को डिवाइड करती है। इस पॉइंट पर फॉल्स के उस ओर कर्नाटका है और इस ओर तमिलनाडु स्टेट है। तो हम लोग थोड़ा नीचे जाकर कोरेकल राइड में सवार हो चुके थे और इसका हम मज़ा ले रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। होगिनिकल फॉल नेचुरल लवर्स, एडवेंचर सीकर्स और ट्रैकर्स के लिए काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन है बैंगलोर से वन डे विजिट के लिए। फॉल्स के चारों ओर ग्रीनरी और चट्टानों का व्यू काफ़ी मनमोहक लगता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो कार्बोनेट चट्टाने हैं जो फॉल्स की वजह से बनी है, और ये साउथ एशिया में ओल्डेस्ट है। होगिनिकल फॉल्स कोरेकल राइड सीनिक ब्यूटी के अलावा मसाज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर नॉर्मल मसाज का 200 से 300 रुपये लिया जाएगा और स्पेशल मसाज के लिए 500 टू 700 रुपीज़ चार्ज करेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके बार्गेनिंग कैपेसिटी के ऊपर। यदि आप फिश लवर हैं तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ताज़ी पकड़ी हुई फिशेज से काफ़ी वेराइटीज़ की डिशेज यहाँ पर बनाई जाती है। दोस्तों, होगिनिकल फॉल की तुलना नियाग्रा फॉल से भी की जाती है, क्योंकि नियाग्रा फॉल के समान ही यहाँ पर भी जल जो होता है चट्टानों के ऊपर से नीचे गिरता है कावेरी नदी का। कावेरी नदी कई धाराओं में बटकर नीचे गिरती है चट्टानों से। यहाँ पर झरनों की ऊंचाई 16 फीट से लेकर 66 फीट के करीब तक है। तो झरने के बाद नेक्स्ट हम लोग मनल मेड्डू की तरफ चल पड़ते हैं। कोरेकल नाविक कोरेकल को गोल गोल घुमा रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पर मुझे भी। हम लोगों का टोटल 5 लोगों का ग्रुप था और एक ही कोरेकल में हम लोग 5ों लोग बैठ गए थे। ऑफिशियली एक कोरेकल में 4 एडल्ट्स और एक छोटा बच्चा सवार हो सकता है। होगिनिकल फॉल्स पीसफुल सराउंडिंग और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ जैसे कोरेकल राइड, सीनिक ब्यूटी, चट्टानों का व्यू, मसाज आदि सभी का कॉम्बिनेशन है। यदि आप इन सभी चीज़ों को इंजॉय करना चाहते हैं तो ये मस्ट विजिटिंग प्लेस है नियर बाय बैंगलोर, यहाँ आना मत भूलिएगा। मसाज के बाद झरने में नहाने का एक अलग ही सुखद अनुभव होता है। टूरिस्ट यहाँ से पानी भी भरकर ले जाते हैं पीने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ के जल में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है,
मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का कारण इसके मार्ग में उगने वाली डिफरेंट वेराइटीज़ की हब्स होती है। लोग इंजॉय करने के साथ साथ हेल्थ बेनिफिट लेने के लिए भी होगिनिकल फॉल्स आते हैं। होगिनिकल में कई सारे होटल्स भी बने हुए हैं, यहाँ पर आप आके स्टे भी कर सकते हैं एडवांसली बुकिंग करके। दोस्तों बात करें बेस्ट विजिटिंग टाइम की, तो अक्टूबर से फरवरी के बीच बेस्ट विजिटिंग टाइम होता है यहाँ आने के लिए। मॉनसून में आप यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ होती है कावेरी नदी में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो होगिनिकल फॉल्स का। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बैंगलोर के नियर बाय विजिटिंग प्लेसेस की जानकारी के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए। ऊटी टॉय ट्रेन के लिए राइट वाले।